पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार NDRF ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिससे कई लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बादल फटने के बाद तेजी से फ्लैश फ्लड आया, जो टेंट सिटी में प्रवेश कर गया। मुद्दा ये है कि अक्सर बादल फटने की खबर पर्वतीय इलाकों से ही क्यों आती है? क्या वजह है जिससे बादल पहाड़ों पर ज्यादा फटते हैं? आइए समझते हैं इस प्राकृतिक आपदा की प्रणाली को। बादल फटने का मतलब ये नहीं होता कि बादल के टुकड़े हो गए हों। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक जगह पर अचानक एक साथ भारी बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पानी से किसी भरे गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह नीचे गिरने लगता है। ठीक वैसे ही बादल फटने से पानी से भरे बादल की बूंदें तेजी से अचानक जमीन पर गिरती हैं। इसे फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। अचानक तेजी से फटकर बारिश करने वाले बादलों को प्रेग्नेंट क्लाउड भी कहते हैं। कहीं भी बादल फटने की घटना तब होती है जब काफी ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है। फिर अचानक भारी बारिश शुरू होती है। बादल फटने पर 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बारिश हो सकती है। पानी से भरे बादल पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई की वजह से बादल आगे नहीं बढ़ पाते। फिर अचानक एक ही स्थान पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर अमूमन 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादल फटते हैं। हालांकि बादल फटने का दायरा ज्यादातर 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। पहाड़ों पर बादल फटने से इतनी तेज बारिश होती है जो सैलाब बन जाती है। पहाड़ों पर पानी रुकता नहीं, इसलिए तेजी से पानी नीचे आता है। नीचे आने वाला पानी अपने साथ कीचड़, मिट्टी, पत्थर के टुकड़ों को भी ले आता है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि इनके सामने पड़ने वाली हर चीज बर्बाद हो जाती है। पहले यह धारणा थी कि बादल फटने की घटना सिर्फ पहाड़ों पर ही होती है, लेकिन मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटने की एक घटना के बाद यह धारणा बदल गई। अब यह माना जाता है कि बादल कुछ खास स्थितियों में फटता है। वे स्थितियां जहां भी बन जाएं, बादल फट सकता है। कई बार बादल के मार्ग में अचानक से गर्म हवा का झोंका आ जाए तो भी बादल फट जाते हैं। मुंबई की घटना भी इसी वजह से हुई थी। आपको बता दें कि किस तरीके से कब कब बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। 14 अगस्त 2017 पिथौरागढ़ जिले के मांगती नाला के पास बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई और कई लापता हो गए। 11 मई 2016 में शिमला के पास सुन्नी में बादल फटा, भारी तबाही मची। 16-17 जून 2013 केदारनाथ में बादल फटे, 10 से 15 मिनट तक तेज बारिश और भूस्खलन की वजह से करीबन 5,000 लोग मारे गए। 6 अगस्त 2017 लेह में बादल फटा, 1 मिनट में लगभग 2 इंच बारिश हुई और भारी तबाही मच गई। 2 नवम्बर 1970 हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 1 मिनट में 1.5 इंच बारिश हुई। 7 जुलाई 1947 रोमानिया के कर्टी दे आर्गस में बादल फटा, 20 मिनट में 8.1 इंच बारिश हुई। 12 मई 1916 में जमैका के प्लम पॉइंट में बादल फटा, 15 मिनट में 7.8 इंच बारिश हो गई। 29 नवंबर 1911 पनामा के पोर्ट वेलेस में बादल फटने से 5 मिनट में लगभग 2.5 इंच बारिश हो गई। 24 अगस्त 1906 अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के गिनी में बादल फटने से करीबन 40 मिनट बारिश हुई और करीबन 1.25 इंच बारिश हुई। इससे भारी तबाही मची। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।